हाय गाइस, माय नेम इज अनिकेत। मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, इससे हम बनाएंगे आज इन्वर्टर। ये ट्रांसफार्मर हमारा ओके है बिल्कुल, आप भी ले सकते हो नया ट्रांसफार्मर। पुराना नहीं लेना, ख़राब नहीं लेना, सही होना चाहिए। तो हम लोग इसको गिल्लू की सहायता से इसको नीचे चिपका देते हैं और इसको इस प्लाई बोर्ड के हिस्से पर हमें एक साइड चिपका देना है। ओके गाइस, जैसे इस समय मैंने चिपकाया वैसे आप भी चिपका सकते हो। और ये ग्रीन, ये हमारी एक मोटर है। मोटर के ऊपर हमने ये कट करके लोहे की सीट लगा रखी है गाइस। गोल कट करनी है इसमें, बिल्कुल गोल करना है। तो ये सीट लगा रखी है, इसको हमको इसके साथ सोल्डर करना है क्योंकि हम ये अपनी जगह से हिले ना, बिल्कुल इसको फिक्स करना है। तो मैं अपनी सोल्डर से इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ अच्छे से, बिल्कुल टाइट, कि एक तरीके की जाम हो जाए यहाँ पर, ये हिस्सा अपनी जगह से ना हिले। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इसको आपको सोल्डर कर देना है। तो गाइस, सोल्डर होने के बाद कुछ ये इस तरीके का दिखेगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेना। ओके, तो ये मैंने नीचे एक पाइप का टुकड़ा लगा रखा है जो मोटर को थोड़ा सरफेस से ऊपर रखे, जमीन से थोड़ा ऊपर रख रखे। तो ये मैंने यहाँ से निकाला टेप। एक साइड में टेप इसलिए लगा रहा हूँ, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा मैं ये टेप किस लिए लगा रहा हूँ। तो इस टेप को अच्छे से हम काट लेंगे किनारे से, इसको भी गोल कर देंगे क्योंकि मोटर में हल्की सी बबलिंग नहीं होनी चाहिए, हल्की सी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो इन्वर्टर में इशू करेगा जब लाइट चलने में। तो ये हमने लगा दिया गाइस। ओके, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो। ये हमने लगाने के बाद इसको अच्छे से चेक कर लेना कि सीधा है कि नहीं। अब इसके प्लाई के हिस्से पे हमें यहाँ पे ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। ये देखो गाइस, मेरे हाथ में मधुमक्खी भी देख रही है, चली गई। तो गाइस, हमने ये लगा लिया यहाँ पर ग्लू की सहायता से। ओके, इसको लगाने के बाद अब हमें ये दो वायर का काम है। एक वायर हमारी यहाँ लगेगी जिसको अभी हम इस समय यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं, और दूसरी वायर कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ, ये वायर कहाँ लगेगी। तो हमें एक छोटी सी तार का हिस्सा ले लेना है, ये मोटर की इस लीड से लेके और इसकी बॉडी में टच कर देंगे। अभी हमने क्यों टच करा इसको मैं बताता हूँ आपको। ये इसका अर्थ चला गया इससे और ये पल्स जनरेट करेगा। जो ये वाला हिस्सा है ये आपका पट्टी पे लगेगा, पल्स जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोहे की पट्टी ले लेंगे, उसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे टाइट तरीके से, जब मोटर चले तो पत्ती में रगड़ खाए, जैसे कि उसमें चिपके। तो हमने स्क्रू की सहायता से इसको भी फिक्स कर लिया है। तो इसको मैं स्क्रू की सहायता से अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, जैसे कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। और देखना गाइस, ज़्यादा टाइट भी ना रहे, मोटर बिल्कुल आराम से घूमे इतना रहे। तो ये हमारा अभी अच्छे से प्रॉपर है, इसमें टच हो रहा है। तो इसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद, ये हमने चेक कर लिया अच्छे से घुमा के कि सही है। और दूसरी वाली वायर हमें यहाँ पर सोल्डर कर देना है, जैसे मैंने इस समय यहाँ पर सोल्डर कर लिया। और ये जो ब्लैक वाली तार है इसको डायरेक्ट गाइस इसमें डायरेक्ट लगा दो आप, एक स्विच बोर्ड उसमें प्लग में यहाँ पे ऐसे लगा दो बल्ब होल्डर में। लगाने के बाद इसको भी हम ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे यहाँ पर। ओके गाइस, और गाइस जितने भी हमारी वीडियो, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं बनाते, बिल्कुल रियल वीडियो बनाते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ पीछे भी कुछ नहीं है, कोई वायरिंग नहीं आई है इसमें। अभी हमारे पास ये LED है। ओके गाइस, ये LED बल्ब है। अब इसमें हम देंगे ये हमारा 11.7 12 वोल्ट की बैटरी, और ये हमारा ये मीटर है। मैं आपको देख के दिखाता हूँ कितना देंगे हम इसको वोल्टेज, मीटर में आपको दिखाता हूँ। ये तो गाइस अभी ये 9 कुछ वोल्ट शो कर रही है, तो इसको एक बार हम चला के देखेंगे। देखो गाइस, हल्का सा बल्ब जला, थोड़ा बैटरी की भी पावर कम है, हल्का हल्का बल्ब जल रहा है। अब इसको उल्टा चला के देखते और पत्ती को थोड़ा सेट करेंगे। इसमें कहीं ना बैटरी लगी है ना कुछ लगा है। ओके, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा पावर बटन है, ये चलना, ये मोटर स्टार्ट होती है, उसके बाद इसमें जाता है, यहाँ से इसमें जाता है। तो एक बार हम देखो गाइस, ये देखो कुछ नहीं है इसमें, ये तार और भी कुछ नहीं है, हम देख सकते हो।
एक बार क्या करते हैं, ये लाइट को ऑफ करते हैं और अब इसको चला कर चेक करते हैं। देखो गाइस, बस ये थोड़ा सा टेप बाहर आ गया, इसको टेप को अंदर करेंगे। इसके बाद दोबारा जो हमने ये दो गाइस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हमारी तार हिल जा रही है, ये तार हिल जा रही है, आपको पूरा दिखाते हैं। ये हमारी बैटरी की तार है, ओके, ये यहाँ पे हिल जा रही है, ये दोबारा लग कर दोबारा काम करना चालू हो जाएगा। आपको ये तार दोबारा लगा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कितना मस्त बना है प्रोजेक्ट। और मैं आपको इसकी रोशनी भी दिखाता हूँ आपको, ये अब मैंने यहाँ पे लाइट जला दी स्टूडियो की, तो आपको इसको पूरा फोकस करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या लगा है हमारा। ये हमारी दो तार है, यहाँ से इसमें बिजली देती है मोटर में, मोटर से ये जो हमने तार लगाई थी ये पल्स जनरेट करता है। यहाँ से हमने तार लगा दी, इसको अर्थ मिल गया और यहाँ से हमारा ये ट्रांसफॉर्मर की तार यहाँ से इधर आ गई और यहाँ से हमारा ये पल्स जनरेट करेगा। हम जितनी बार ये घूमेगा उतने हिसाब से इस पर हार्ट बीट बनेगी, पल्स बनेगी, जो ये पल्स बनेगी वो सीधा बिजली 240 वोल्ट बनाती है और डायरेक्ट इसमें जाएगा, यहाँ से कोयल से होते हुए अपने बल्ब में करंट आ जाएगा। तो एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्टूडियो की लाइट एक बार और बंद करता हूँ, आपके सामने सीधा दबाता हूँ ये बटन, आपके मन में वहम होगा कि इसमें ये होगा। देखो कोई कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये जेन्युइन वीडियो बनाते हैं हम, आपको थोड़ा और तेज लाइट देते हैं हम। देखो देखो भाई, जितना तेज इसको दबाते हैं उतना तेज लाइट मिलती है, तो देख सकते हो भाई साहब कितनी तगड़ी लाइट मिलती है। अब इस पर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा और ऐसे करते और इसको चलाते हैं, देखो भाई जल रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।